नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्च पैट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 फुट बाय 50 फुट के घर के डिज़ाइन की और देखेंगे इस घर की प्लानिंग को, इंटीरियर को, एक्सटीरियर को एंड टेरेस गार्डन को। एंड ये इस प्लान की डिटेल्स हैं, एक बार आप इसको भी देख लें जिससे आपको इसके नंबर ऑफ रूम्स के बारे में, कवर्ड एरिया के बारे में एंड प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको पेन डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम पूरे घर का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए अब घर के अंदर की तरफ चलते हैं। सो मेन गेट से एंट्री करते हमें मिलता है इसका ड्राइववे जो कि 8 फुट बाय 16 फुट डेढ़ इंच का है, जहां पर आप अपनी गाड़ी और बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हैं। एंड सामने आपको मिल जाते हैं इसके कैबिनेट्स। सो मेन डोर से एंट्री करते ही हमें मिलता है इसका एंट्रेंस फॉयर जो कि 7 फुट 9 इंच बाय 10 फुट 9 इंच का है। इसके एक तरफ आपको किचन मिल जाती है और दूसरी तरफ आपको डाइनिंग एंड ड्राइंग। तो पहले ड्राइंग एंड डाइनिंग देख लेते हैं। सो ये है 13 फुट 6 इंच बाय 13 फुट 6 इंच का ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आपको सामने सोफा सेटिंग मिल जाती है एल शेप में और उसके जस्ट सामने आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। सीलिंग्स देख सकते हैं आप, वुडन के साथ हमने थोड़ा सा कटवर्क किया है। एंड सामने स्टेयरकेस के नीचे हमने एक वैनिटी प्रोवाइड की है सो दैट आप डाइनिंग के वक्त उसको यूज में ला सकें। एंड डाइनिंग के साथ ये है इसका पूजा रूम जो कि 5 फुट डेढ़ इंच बाय 5 फुट साढ़े 7 इंच का है। एंड इसकी भी सीलिंग में हमने थोड़ा सा कटवर्क किया है। एंड एंट्री की दूसरी तरफ आपको मिलता है इसका किचन जो कि 7 फुट 9 इंच बाय 10 फुट 9 इंच का है। ये एक पैरेलल किचन है जैसा आप देख सकते हैं। एंड इसके सामने एक स्लाइडिंग विंडो हमने प्रोवाइड की है। चलिए अब चलते हैं इस घर के बेडरूम नंबर 1 की तरफ जो कि है 11 फुट बाय 12 फुट का और इसी में ही आपको स्लाइडिंग वार्डरोब मिल जाती है लगभग 5.5 फुट की। बेड के बैकड्रॉप पर हमने पेंट का यूज़ किया है विद स्टेंसिल्स। फॉल सीलिंग्स को हमने प्लेन रखा है सो दैट यू कैन गेट अ वाइडर लुक। सामने टीवी यूनिट देख सकते हैं आप। एंड ये है इसका अटैच टॉयलेट जो कि 5 फुट 6 इंच बाय 5 फुट साढ़े 4 इंच का है। बेडरूम की दूसरी तरफ आपको मिलता है इसका एक स्टोर जिसको आप स्टोरेज या फिर ड्रेसिंग के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। बेडरूम की जो वेंटिलेशन है वो बाहर दिए गए 5 फीट वाइड कटआउट से हो रही है एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस स्पेस एज अ यूटिलिटी। बेडरूम से बाहर निकलते ही स्टेयरकेस के थ्रू चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो ऊपर आते ही आपको मिलता है इसका फैमिली लाउंज जो कि है 10 फुट बाय 13 फुट 6 इंच का। एंड उसके सामने हमने वर्टिकल लोअर्स प्रोवाइड किए हैं सो दैट वी कैन प्लेस द टीवी यूनिट ओवर हियर।
लॉन के साथ ही आपको मिलता है इसका बेडरूम नंबर 2 जो कि है 10 फुट 7.5 बाय 11 फुट 6 इंच का। इसमें बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाता है एक स्टडी टेबल। बेड के बैकड्रॉप पर हमने टेक्सचर पेंट का यूज़ किया है। बेडरूम के सामने आपको मिलता है इसका टीवी यूनिट और इसके साथ ही आपको मिल जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया जो कि है 5 फुट 6 इंच बाय 4 फुट 7.5 इंच का। एंड इसके स्लाइडिंग वार्डरोब पर हमने एक तरफ मिरर का यूज़ किया है एंड दूसरी तरफ विनाइल का। ड्रेसिंग के साथ आ जाता है इसका अटैच टॉयलेट जो कि है अगेन 5 फुट 6 इंच बाय 6 फुट 9 इंच का। एंड इसकी वेंटिलेशन भी बाहर बालकनी से हो रही है। देर इज नो मैकेनिकली वेंटिलेशन वी हैव प्रोवाइडेड इन द हाउस। लाउंज के दूसरी तरफ आपको मिलता है इसका स्टोर जो कि है 5 फुट 1.5 इंच बाय 6 फुट का। एंड ये है इसका बेडरूम नंबर 3 जो कि है 11 फुट बाय 12 फुट का। इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि बेड के बैकड्रॉप पर हमने टेक्सचर पेंट का यूज किया है। बेड के सामने आपको मिल जाती है इसकी टीवी यूनिट और यूनिट के साथ आपको मिलता है इसका ड्रेसिंग एरिया जो कि है 5 फुट 1.5 इंच बाय 5 फुट 7.5 का। ये पोर्शन घर का जिस तरीके से हमने नीचे प्रोवाइड किया था सेम ही आपको ऊपर देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं अब इसके टेरेस की तरफ और देखते हैं इसका टेरेस डिजाइन। और ये है इसका टेरेस डिजाइन। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको पेन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।